तो एनकाउंटर पर पक्ष और विपक्ष सिर्फ सियासी गलियारों में नहीं है, आम लोगों के बीच भी इसे लेकर अलग अलग राय है। कोई इसे अपराध के अंत की तत्काल सेवा कह रहा है तो कोई संविधान कानून और अदालत का पालन नहीं करने का आरोप लगा रहा है। आम लोगों की बात भी सुन लीजिए। प्रयागराज के निवासी होने के नाते तो सबसे पहले जहन में क्या आ रहा है? अच्छा है, अच्छा लग रहा है कि कोई यहाँ के जो डॉन बहुत बड़े बाहुबली जिनके खौफ से हम लोग डरते थे कि यहाँ, अच्छा लग रहा है कि यहाँ इंसाफ हुआ है। भाई साहब ये समझ लीजिए, ये पाप का घड़ा था, ये ऊपर वाले ने एकदम जो है भर दिया था और फूट गया। जो है जो हुआ सब अच्छे हुआ है। आतंक का साम्राज्य खत्म हो गया है। इतने सालों से आतंक यहाँ इलाहाबाद में, पूरी यूपी में था, इसका एक साम्राज्य खत्म है योगी राज में। देखिए सर, सरकार अगर सख्त रहेगी तो अपराधी तो अपराध कम हो जाएगा। अपराध पहले से ऑर्गेनाइज क्राइम क्रम हुआ है। और निश्चित रूप से अगर हम 10 साल पहले की डिवाइडर लाइन तय करें तब से हालात बेहतर है। अब इस पर हम क्या कहें? अब ये मंत्री जी बता सकते हैं। मंत्री जी आप किसको कह रहे हैं? योगी जी बता सकते हैं कि क्यों हुआ, काहे हुआ? हमारा कहना था पकड़ लेते, 5-10 साल की सजा देते, 12 साल की सजा देते, 15 साल की देते, मगर इनकाउंटर तो नहीं करना था। तो एनकाउंटर पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं, दोनों अपने अपने तर्क रख रहे हैं, अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। इनमें जो लोग इंसाफ की पूरी प्रक्रिया पालन करने के पक्ष में हैं, वो यूपी के शाहजहांपुर का उदाहरण भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि शाहजहांपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कारोबारियों ने एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर को चोरी के आरोप में खंबे से बांधकर लोहे की रॉड से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इस तस्वीर को देखने के बाद बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि शाहजहांपुर में जो हुआ क्या वो सीधे सीधे कानून का मजाक उड़ाना नहीं है? क्या इस तरह कानून की पूरी प्रक्रिया को किनारे लगाया जा सकता है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो गली गली में इसी तरह अपराध को खत्म करने और तुरंत इंसाफ के नाम पर क्रूरता होती रहेगी। वैसे इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी।